सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। वेद पढ़ना आसान हो सकता है, लेकिन जिस दिन आपने किसी के वेदना को पढ़ लिया तो समझो आपने ईश्वर को पा लिया। समय का वास्तविक मूल्य समझें और हर पल का आनंद लें। हालात गरीब हो चलेगा, पर सोच भिखारी नहीं होनी चाहिए। आज का पंचांग 20 जून 2022 दिन सोमवार, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि, रात्रि 9:01 तक रहेगी। इसके उपरांत अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पूर्वा भाद्रपदा नामक नक्षत्र सुबह 4:35 तक रहेगी। इसके उपरांत उत्तर भाद्रपदा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 7:26 से 9:07 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:01 से 12:55 तक रहेगा। आज चंद्रमा कुंभ राशि पर रात्रि 10:35 तक रहेगी। इसके उपरांत मीन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मिथुन राशि पर रहेंगे। कन्या राशि 20 जून 2022 दिन सोमवार, यह समय आपके लिए सौभाग्य से भरा है। पदोन्नति या वेतन में वृद्धि से आपका मूड अच्छा हो सकता है। अपने नए और पुराने दोस्तों की कंपनी का मजा लें, सावधानी से यात्रा करें और प्रियजनों को नजरअंदाज ना करें। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को आपके समय और ध्यान की आवश्यकता हो सकती है। अब समय आ गया है अपने लक्ष्यों और महत्वाकांक्षाओं के लिए कड़ी मेहनत करने का। यह समय कार्य करने, दूसरों के कल्याण और अपनी आदतों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भी अच्छा है। आपकी मनोदशा स्वास्थ्य को भी प्रभावित करेगी। छोटे छोटे मुद्दों के लिए चिंतित ना होकर चीजों को बेहतर बनाने और सुधारने पर काम करें। आसपास की गतिविधियों में अपनी उपस्थिति अनिवार्य रखें, इससे जान पहचान और संपर्क का दायरा बढ़ेगा। आपके द्वारा किया गया कोई महत्वपूर्ण काम तारीफ़े काबिल रहेगा। दिन का कुछ समय हास परिहास व मनोरंजन में भी व्यतीत होगा। किसी व्यक्ति को दिए गए उधार पैसों की वजह से पछतावा हो सकता है। आर्थिक परिस्थिति ठीक रहेगी, लेकिन लोगों का आपके लिए बदला हुआ व्यवहार तकलीफ का कारण होगा। उधार पैसा वापस लेने के लिए स्पष्ट बातचीत करें। जो लोग व्यापार की शुरुआत करना चाहते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार के रिस्क लेने से बचना चाहिए। विवाह से संबंधित निर्णय लेते समय दिल और दिमाग में संतुलन रखना होगा। अन्य लोगों के दबाव को महत्व ना दें। सावधानियां। आर्थिक परिपेक्ष में कोई खास सकारात्मक परिणाम नहीं मिल पाएंगे। नया निवेश करने से पहले अच्छी तरह जांच पड़ताल अवश्य कर लें। संबंधियों से किसी भी तरह के सहयोग की उम्मीद न करें, बल्कि अपनी कार्य क्षमता पर ही विश्वास करके आप सफल रह सकते हैं। बात करते हैं लव लाइफ की। आपके आकर्षण और लक का करिश्मा कुछ ऐसा है जिसके कारण आज आपको जीवन के हर पहलू में सफलता प्राप्त होगी। अपने रोमांटिक जीवन नमकीन बनाने के लिए आपको कुछ खास प्रयास करके अपने प्रीतम को खुश करना पड़ेगा। सामान की चोरी या दुर्घटना से बचें। अपने कूटनीतिज्ञ कौशल को दूसरे लोगों के सामने पेश करने का समय आ चुका है। आपका चार्मर आज आपको आपके लव से मिलवा सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई क्यूटी आज आपको प्रभावित करने की कोशिश करे। नम्रता से बात करें और कुछ ही दिनों में आपका संबंध नई ऊंचाइयों को छुएगा। बात करते हैं करियर की। लक आज आप पर मेहरबान है। जहां अतिरिक्त आय के अलावा आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी। रिश्ते में मतभेद सामान्य बात के बस मतभेद नहीं होने चाहिए। नेटवर्किंग से आप नए दोस्त बना सकते हैं। याद रखें, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। आने वाला समय आपके लिए बेहद सुगम है। यह समय काम पर ध्यान देने के लिए उपयुक्त है।
इस बात का ध्यान रखें कि आज आप खुद का और अपने प्रियजनों का भी ख्याल रखें। छोटे छोटे बातों के बारे में सोचना छोड़ें और कुछ बड़ा करें। बात करते हैं सेहत की। कब्ज व वायु विकार जैसी परेशानी रह सकती है। अपना खान पान व दिनचर्या को संयमित रखें। पैर दर्द की समस्या भी हो सकती है। आज का उपाय, आज शाम आप कच्चे चावल में काले तिल मिलाकर दान करें, आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।